इसमें 700 ग्राम के आसपास उनका गोल्ड है और 1 किलो के आसपास उनकी सिल्वर है, चांदी है। कितने की संख्या में सर आए थे? 3 लोग थे सर। अपराधी की पहचान चल पाई? हाँ, उनकी पहचान कर ली गई है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आखिर बिहार में ये हो क्या रहा है? दिन दहाड़े किसी की हत्या, लूट, डकैती जैसी घटना सामने आ रही है। आचार संहिता लागू है, इसके बावजूद भी अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। सवाल उठना लाजमी है, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया जाता है, पहले एक अपराधी दुकान में पहुंचता है और चैन दिखाने के बहाने दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचता है, उसके बाद पीछे से 2 अपराधी पहुँचते हैं और हथियार से लैस रहते हैं और दिन दहाड़े लूट जैसी घटना को अंजाम देते हैं। दल बल के साथ पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस की हाथ 24 घंटे हो चुकी है और अब भी खाली है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है, और सवाल तो उठता है कि आखिर लूट और डकैती हो जाती है और पुलिस कहां रहती है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े 50 लाख की सोना लगभग बताया जा रहा है लूट होने के बावजूद, पुलिस के हाथ अब भी खाली है। जानकारी मिली थी कि RDS कॉलेज के पास एक ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं, जिसमें उनके पास पिस्टल भी होती है और पिस्टल दिखा के वो इनके पास से कुछ गोल्ड और कुछ चांदी के आभूषण हैं उनको ले जाते हैं। वादी के अनुसार अप्रॉक्सीमेट जो कीमत है उसकी 51 लाख के आसपास है, जिसमें 700 ग्राम के आसपास उनका गोल्ड है और 1 किलो के आसपास उनकी सिल्वर है, चांदी है। कितने की संख्या में सर आए थे? 3 लोग थे सर। अपराधी की पहचान चल पाई? हाँ, उनकी पहचान कर ली गई है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ग्राहक बनकर आए थे वो लोग? हाँ, कस्टमर बन के आए थे। और हम ये भी अपील करेंगे कि थोड़ा सा जो भी लोग कस्टमर बन के आते हैं उन पर जो भी है थोड़ा सा उनसे सावधान रहा जाए, क्योंकि वो चीट भी करते हैं और साथ ही साथ उसमें हो सकता है कि पिस्टल भी उनके पास हो, वेपन वगैरह भी साथ में। फर्दर क्या एक्शन? तो जो भी ज्वेलर्स हैं तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको पुलिस तो कर ही रही है, जल्दी उनको पकड़ेंगे। SIT का गठन कर दिया गया है SSP सर के द्वारा और जल्दी हम इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर। बाकी का टावर डम वगैरह टेक्निकल एविडेंस हैं जो भी लेने हैं वो सर। फायरिंग क्या? फायरिंग वगैरह नहीं हुई? फायरिंग नहीं हुई है। कोई व्यक्ति घायल? कोई व्यक्ति घायल नहीं। थैंक यू।